हिरण का बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए वन में इधर उधर घूमता है और अपनी माँ को पुकारता है, माँ माँ माँ। लेकिन उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। सामने से आ रहे हाथी से हिरण के बच्चे की मुलाकात होती है। हिरण का बच्चा हाथी से पूछता है, हाथी चाचा आपने मेरी माँ को देखा है क्या? अरे तुम्हारी माँ कहाँ गई? तुम्हारे साथ तो थी, मैंने तो अभी नहीं देखा है। नहीं पता चाचा किधर चली गई माँ, ढूंढ के नहीं मिल रही है। देखो इधर उधर गई होगी, आ जाएगी। फिर हाथी वहाँ से चला जाता है और हिरण का बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे चला जाता है और आगे। हिरण का बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता फिरता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ कहाँ गई माँ, तुम देख क्यों नहीं रही हो? तभी उधर से चीता आ रही होती है। वो हिरण के बच्चे के पास पहुँचती है। हिरण का बच्चा चीता से पूछती है, चीता मौसी क्या आपने मेरी माँ को देखा है? अरे नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी माँ को नहीं देखा, लेकिन कहाँ गई? वो तो तुम्हारे साथ ही रहती थी। नहीं पता चीता मौसी कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है कल से। अरे मिल जाएगी, कहीं खाने की खोज में गई होगी, आ जाएगी। इस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के दोस्त थे, तो एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। फिर चीता वहाँ से चली जाती है और हिरण का बच्चा और आगे जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। शेर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रहा था, तभी उसे एक भालू नजर आता है। वो जोर से दहाड़ता है और फिर वो भालू शेर को देखकर वहाँ से चला जाता है। अरे ये भालू कहाँ से आ गया, इस जंगल में तो भालू नहीं था, कहाँ से आ गया, जरूर किसी को हानि पहुँचाएगा, अभी मुझे सबको बताना चाहिए, सब कोई सचेत रहे। फिर शेर वहाँ से चला जाता है वन में सभी जंतुओं को बताने के लिए कि इस जंगल में कोई भालू आ गया है, सब सावधान रहे। वन में एक दुख की बात हो जाती है, किसी ने हिरण को मार डाला था। इसी बात को लेकर हाथी चीता गाय बाकी सभी जानवर चिंतित थे। अरे इस वन में इस हिरण को किसने मारा, हम सभी तो दोस्त हैं, फिर इसे किसने मारा? हाँ हाँ मैं भी तो यही सोच रही हूँ, हिरण तो मेरी बहन जैसी थी, लेकिन इसे किसने मारा? सभी जानवर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उधर से शेर आता है। अरे ये क्या हो गया, हिरण मर गया? हाँ हाँ शेर भाई देखो ना, इसे किसी ने मार डाला है, हमारे जंगल में लगता है कोई दूसरा जानवर आ चुका है। अरे हाँ आज मैंने एक जंगली भालू देखा था, उसे मैंने डरा के भगा दिया, शायद उसी भालू ने इस हिरण को मार डाला है, उसी ने इस पर हमला किया होगा। क्या हमारे जंगल में भालू आ गया है, हमें उसे जल्दी से जल्दी खोज कर मार डालना चाहिए, वरना हम लोगों के लिए खतरा है। वो तो बात की बात है, अभी सोचो इस हिरण के बच्चे को क्या समझाएंगे, वो बच्चा तो पूरे वन में उसे ढूंढ रहा होगा अपनी माँ को। हाँ हाँ सही कह रहे हो हाथी तुम, चलो हम सभी चलते हैं उस बच्चे को ढूंढते हैं, नहीं तो कहीं वो भालू के हाथ चली आई तो भालू उसे नहीं छोड़ेगा। फिर सभी जानवर मिलकर उस बच्चे को, उस हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हिरण का बच्चा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ हाथी शेर चीता सभी जानवर उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं और उनके सामने आते हैं। अरे बच्चे तुम्हारी माँ मिल गई। बच्चा खुश हो जाता है और पूछता है, हाथी चाचा कहाँ है मेरी माँ? तुम्हारी माँ हमें बोल कर गई, वो दूसरे जंगल जा रही है कुछ दिनों के लिए, और बोली है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम लोगों को, इसीलिए तुम अब हमारे साथ रहोगे, कहीं अकेले नहीं घूमोगे। हाँ बेटा और तुम मेरे बच्चे के साथ खेलना, तुम दोनों एक साथ मजे से खेलना। लेकिन चीता मौसी वो मुझे चोर चोर से मार देता है। अब वो नहीं मारेगा, मैं उसे बता दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ और जब तक तुम्हारी माँ ना आ जाए तब तक तुम
इस चीता मौसी के बच्चे के साथ ही रहना, अकेले कहीं मत जाना। ठीक है, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। चीता अपने बच्चे को समझाते हुए कहती है, देखो बेटा, ये आज से तुम्हारी दोस्त है और इसके साथ अच्छे से खेलना, इसे मारना मत। ठीक है मम्मी, लेकिन मैं मारता नहीं हूँ, तब भी इसे लग जाता है। तुम इसके साथ धीरे धीरे खेलना। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, तुम लोग दोनों खेलो, मैं चलती हूँ। फिर चीता वहाँ से चली जाती है और चीता के बच्चे के साथ हिरन का बच्चा भी अब खेलने लगा था। वो अपनी माँ को धीरे धीरे भूलने चल रहा था और चीता के बच्चे के साथ खेल कूद में मस्त होने लगा था। ऐसे ही दिन अब बीतने लगे जंगल में खुशी खुशी। हिरन का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक सुंदर से वन में सभी जानवर खुशी खुशी रहा करते थे। न जाने किसे इनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। सभी जानवर एक ही जगह इकट्ठा थे, तभी एक हिरन दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है, हाथी भाई, एक अजीब का घटना हो गया जंगल में। अरे क्या हो गया, तुम इतनी घबराई क्यों हो और दौड़ते दौड़ते क्यों आई हो, क्या बोलना है बोलो। हमारे इस जंगल में एक शेर आ गया है और शेर हमारे एक बच्चे को खा लिया है और वो कहा है सभी जंतु जानवरों को यहाँ बुला के लाओ मेरे पास, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। क्या शेर आ गया? ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं। अरे शेर आ गया, अब हमारा क्या होगा? अब तो हमें खा जाएगा। अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं हूँ, मैं उनसे बात करूँगा। चलो हिरन, मुझे ले चलो उस शेर के पास, कहाँ है मैं उससे बात करूँगा। फिर वो हिरन सभी जंतु जानवर सहित हाथी को उस शेर के पास लेके जाती है। शेर गुफा में ही था, तभी हिरन बाकी सभी जानवरों को वहाँ लेकर आ जाते हैं। शेर उन्हें देखकर एक जोरदार दहाड़ मारता है और कहता है, अरे स्वागत है तुम सबों का मेरे दोस्त। इधर से हाथी कहता है, एक तो दोस्त कहते हो और हमारे भाई बंधु को मार कर खाते हो, ये कहाँ का न्याय है? तुम कहाँ से आ गए, इस जंगल में क्यों आए हो? देखो हाथी, मैं जहाँ रहता था वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं इस जंगल आ गया हूँ। यहाँ मुझे बहुत सारे जानवर मिल गए हैं खाने के लिए, अगर तुम सब मेरी बात मान लोगे तो तुम सबकी जान बख्श दूंगा। कौन सी बात माननी है तुम्हारी कि हमारी जान बख्श दोगे और यहाँ से चले जाओगे? मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अगर तुम सब मेरी बात मानकर हर रोज मुझे एक जानवर दे दो खाने के लिए, तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, वरना मैं एक ही दिन में सारे जानवरों को मार डालूँगा। ये बात सुनकर सभी जानवरों को काफी दुख होता है और सभी जानवर वहाँ से चले आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर रोज शेर को एक जानवर भेंट में देना पड़ता है। इससे चिंतित होकर सभी जानवर आज मीटिंग बुलाए थे और मीटिंग में यही चर्चा हो रही थी। अरे हाथी भाई, कुछ कहो, कुछ भी तो कहो, क्या किया जाए, ऐसे अगर सभी जानवरों को एक एक करके देते रहे तो एक दिन तो ये पूरा जंगल ही खाली हो जाएगा, हम सबको भी एक दिन जाना पड़ेगा, इसका कुछ उपाय निकालो हाथी भाई। हाँ हाँ गाय, इसका उपाय निकालने के लिए मैंने इस जंगल के सबसे चालाक पंछी कौवा को बुलाया है, वो आता ही होगा। सभी जंतुएं बात कर रहे थे, तभी कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। हाँ हाँ हाथी भाई, कहो किस लिए मुझे बुलाया यहाँ? अरे कालू कौवे, ये बता, एक शेर आया है हमारे जंगल में और हर रोज एक जंतु खाता है, ऐसे ही खाता रहा तो हमारे सारे जंतु खत्म हो जाएंगे, हम सबको भी एक एक दिन खा लेगा, इसका कुछ उपाय निकाल के दे ताकि वो शेर यहाँ से चला जाए और हम लोगों की जिंदगी बच जाए। ओ अच्छा अच्छा, ये बात है, रुको हाथी भाई थोड़ा सा सोचने दो। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, देखो हाथी भाई, एक उपाय है, अगर तुम लोग इसको मानोगे तो काम बन सकता है। हाँ हाँ कालू कौवे, बोलो क्या उपाय है, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है तुम्हारे बात मानने के सिवाय। तो सुनो हाथी भाई। फिर कालू कौवा अपना आइडिया सभी जानवरों को बता देते हैं। शेर गुफा के अंदर जोर जोर से दहाड़ रहा था और अपना शिकार का इंतजार कर रहा था, तभी हिरन डरते डरते
शेर के पास आती है। अरे हिरन, इतनी लेट कर दी, मैं तो भूख से परेशान हो रहा था, जल्दी आओ मेरे पास। शेर महाराज, आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है? पहले खाने दो, फिर बात करेंगे। अगर आप मुझे खा लेंगे तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगी। ठीक है, बोलो क्या बात है। शेर महाराज, आपके जैसा और एक शेर इस जंगल में आ गया है। अब लगता है वो आपको इस गद्दी पे नहीं रहने देगा। वो मुझसे कहा है, जो भी शेर इस जंगल में है मैं उसे मार दूंगा। क्या मुझसे भी ताकतवर शेर इस जंगल में आ गया है? तुम कहीं झूठ तो नहीं कह रही हो बच्ची? नहीं शेर महाराज, अगर झूठ कहेंगे आप तो मुझे खा ही लेंगे। चलिए मैं आपको सच में दिखाती हूँ। ठीक है चलो, पहले उससे निपट लेता हूँ, फिर तो मैं आराम से बैठकर भोजन करूँगा। फिर हिरन शेर को वहाँ से लेकर जाती है कालू कौवे के प्लान के मुताबिक। फिर हिरन उस शेर को एक बड़े से कुएं के पास लेकर आती है। अरे हिरन, तू झूठ बोल रही है, कहाँ है शेर? अरे मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी? आप इस कुएं के अंदर देखिए, इसके नीचे बैठकर आराम कर रहा है। रुक, अभी देखता हूँ। फिर शेर कुएं के नजदीक जाता है और जोर जोर से दहाड़ता है और शेर को रिटर्निंग में वही आवाज फिर से सुनाई देती है। शेर झुक के देखता है तो उसी का प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है। शेर को सच लगने लगता है कि इस कुएं के अंदर कोई दूसरा शेर भी आ गया है। देख रहे हैं शेर महाराज, आपको कैसे कैसे दहा रहा है, उसको डर नहीं है। रुको, मैं अभी देखता हूँ उसे। और फिर शेर उस कुएं में कूद जाता है दूसरे शेर को मारने के लिए, यानी कि खुद की प्रतिबिंब को मारने के लिए, और वो जाकर पानी में गिर जाता है। अरे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे शेर, अब तुझे कौन बचाएगा? हर रोज मेरे दोस्त बंधुओं को तू खाता है तो हमें भी उतनी तकलीफ होती है। आज तू मर रहा है, हमें काफी खुशी हो रही है, अब डूब के तू मर यहाँ पे। शेर का अंत हो जाता है, शेर मर जाता है पानी में डूब कर। बाकी सभी जानवर अब फिर से अपना जीवन खुशी खुशी से व्यतीत करने लगते हैं।